एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन फंडा विथ बु सो आज मैं आपके लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्टेप बाई स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल है आई होप आप सबको पसंद आए तो इसमें मैंने न्यू मेकअप लुक क्रिएट किया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सो so, आपको इस वीडियो के बाद आप ये डाउट नहीं रहेगा कि हमें मेकअप क्या लगाना है और कौन सी चीज़ें पहले लगानी हैं कौन सी चीजें बाद में लगानी है तो ये कंप्लीट मेकअप लुक है स्टेप बाय स्टेप सो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड मेकअप लगाने से पहले हम सबसे पहले लगाएंगे प्राइमर तो मेरा प्राइमर कलर बाहर का है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं तो प्राइमर क्या करता है हमारे स्किन के पोर्स को ब्लर कर देता है जिससे बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आती है और ये हमारे स्किन में मेकअप अंदर जाने से भी बचाता है तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए उसके बाद मैं लगाऊंगी ये बीबी -बी क्रीम आप चाहें तो फाउंडेशन भी लगा सकते हैं बट अगर आपकी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है तो आप बीबी -बी क्रीम ही लगाइए ये बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत अच्छी फिनिश भी आती है तो आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लेना है बहुत अच्छे से और उसके बाद आपको ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तो जितना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छी फिनिश आएगी इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है आँखों के नीचे और पूरी फेस पर बट आपको अपने फेस को रगड़ना नहीं है आपको बिल्कुल डॉट डॉप ड्रॉप करके अपने पूरे फेस पर लगाना है जिससे बहुत ही अच्छी फिनिश आती है तो आप देख सकते हैं कि फेस पर अच्छा इफ़ेक्ट आने लगा है तो मुझे बीबी क्रीम ज़्यादा सही लगती है क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा हैवी हो जाता है तो बहुत हैवी फंक्शन होता है जैसे हमें शादी में जाना है या फिर कोई बहुत बड़े फंक्शन में जाना है तभी मैं फ़ाउंडेशन लगाती हूँ वरना मैं बीबी -बी क्रीम ही लगा लेती हूँ तो बीबी -बी क्रीम भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है तो आपको नेक एरिया बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है क्योंकि हमें अगर हम नेक पे नहीं लगाएंगे ना तो हमारा फेस अलग लगेगा और नेक अलग लगेगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद मैं अपनी अंडर आइज को कंसील कर लूँगी तो आपको इस तरीके से कंसीलर लगाना है तो मेरा कंसीलर एले प्रो का है जो कि काफ़ी लग्जूरियस है बट बहुत अच्छा ये कंसीलर है।, है बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स वगैरह को छुपा देगा वैसे मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी बट कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि थोड़े दाग धब्बे तो सबके फेस पर होते हैं जो ये छुपा देता है और मेकअप करने के बाद हमें बहुत अच्छा फिनिश मिलता है तो आपको आपको भी कंसीलर लगाना चाहिए तो इस तरीके से आपको लगाना है आपको अंडर आइज़ में पूरा नहीं लगाना है कॉर्नर में ही लगाना है उसके बाद आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है तो इसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है तो याद रखिएगा मेकअप कर रही हैं तो जितने अच्छे से आप उसको ब्लेंड करेंगी ना आपकी स्किन वेस्ट उतनी ही ज़्यादा स्मूथ लगेगी उतनी ही ज़्यादा पॉलिश लगेगी बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी तो आपको इस तरीके से अपने पूरे फ़ेस पर लगा लेना है तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिश आ गई है और ये काफ़ी अच्छा प्राइम प्राइमर भी था और अच्छा कंसीलर भी है तो इस तरीके से तो उसके बाद आपको क्या करना है अपने फेस पर आपको फेस पाउडर यूज़ करना है बहुत लोग लूज़ पाउडर भी यूज़ करते हैं बट अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको नहीं पसंद है तो आप फेस पाउडर ही यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लूज़ पाउडर और फेस पाउडर ऑलमोस्ट सेम ही होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट दोनों देते हैं तो आपको इस तरीके से अपने नेक एरिया में भी लगाना है तो याद रखिए अपने नेक को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सिर्फ फेस पर ही मेकअप लगा लेते हैं और उसके बाद अपने नेक को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद उनका फ़ेस अलग लगता है और नेक अलग लगता है तो आपको इस तरीके से अपने पूरे जहाँ जहाँ भी आपने कंसीलर लगाया है बीबी क्रीम लगाई है उसको सिक्योर कर देना है तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आईब्रो पेंसिल यूज़ ही नहीं करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बट बिना आईब्रो पेंसिल यूज़ किए वो पता नहीं कैसे अपने फेस को बहुत अच्छा मानते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपने अगर फेस पर आईब्रो पेंसिल नहीं लगाएंगे ना तो उतना अच्छा मेकअप अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी स्किन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी तो मेकअप अगर आप कर रही हैं तो आप अपने आईब्रोज़ को ज़रूर हाईलाइट करिए इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो आपको इस तरीके से अच्छे से अपने फेस पर लगा लेना है तो इसको अच्छे से ब्लेंड भी करना है आपको और कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कुछ अलग से अपने आईब्रोज़ पे लगा रखा है तो मेरा आईब्रोज़ अभी ब्लू हेवन का है इससे पहले मैं मेबलिन का यूज़ करती थी वो भी अच्छा था और ये भी काफ़ी अच्छा है तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश आया है और बिल्कुल नेचुरल है तो मेरा मेरा शेड था हनी ब्राउन तो मुझे ब्लैक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वरना बहुत ज़्यादा वो पेंटेड लगता है उसके बाद हम यूज़ करेंगे आई शेडो आपको इस तरीके से पहले बिल्कुल लाइट शेड लेना है और आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपको वो बिल्कुल अच्छा सा इफ़ेक्ट मिले तो आपको इस तरीके से अपने फेस पर लगाना है उसके बाद कॉर्नर्स में आपको थोड़ा सा डार्क शेड लेना है तो मैं हल्का सा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ मैंने ब्राउन ऊपर यूज़ किया था अपने आउटर कॉर्नर पे उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और ये बिल्कुल न्यूट लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है उसके बाद मैं अपने हाथों से ही ये गोल्डन कलर का शेड अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी इस तरीके से लगाना अगर आप ब्रश से लगाना चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस तरीके से लगाना है बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है बिल्कुल हल्का सा लगाना है इतने में ही आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने लगेंगी तो याद रहे हम न्यू मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ भी हमें बोल्ड नहीं लगाना है उसके बाद मैं अपने फेस को करूँगी कॉन्टोर तो इस तरीके से आपको कॉन्टोर करना है कुछ इस तरीके से आपको करना है आप वीडियो में देखिएगा और इसी तरीके से करिएगा तो कॉन्टोरिंग के ब्रशेस भी अलग अलग आते हैं तो मेरा ये ब्रश कुछ इस टाइप का है इस एंगल पे होना चाहिए ब्रश तभी वो कॉन्टोरिंग अच्छे से कर पाता है अदरवाइज उतने अच्छे से कॉन्टोरिंग नहीं होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लश ब्लश वाले ही ब्रश से अपनी कॉन्टोरिंग भी कर लेते हैं बट वो बिल्कुल ख़राब लगता है ऐसे कभी मत करिएगा इस तरीके से आपको अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर करना है और अपनी डबल चिन को भी तो मुझे इतनी डबल चिन है नहीं तो मैं बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी बट कॉन्टोरिंग के बिना बिल्कुल भी उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता है उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश तो मैं ब्लश अभी यूज़ कर रही हूँ फिटमी का क्योंकि जो इससे पहले ब्लश था वो ज़्यादा पिंकिश था तो मुझे कोरल शेड में लगाना है तो मैं अभी इसको कोरल शेड में लगाऊंगी तो डे कोई भी डे आउटिंग के लिए अगर आप जा रही हैं तो आप कोरल शेड लगाइए ये ज़्यादा परफेक्ट लगता है और पिंक हमेशा नाइट में ज्यादा अच्छा लगता है कोई ज्यादा हैवी फंक्शन हो तो आप उसमें पिंक लगाएंगी ब्लश तो ज़्यादा सही लगेगा इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पर लगाना है उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई तो मैं आज विंक नहीं बनाऊंगी ऐसे ही सिंपल आई लाइनर लगाऊंगी तो मेरा ये आई है ब्लू हेवन का बट मैं सच बोलती हूँ ब्लू हेवन का आई सबसे बेस्ट है अभी तक का मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कि ब्लू हेवन के आई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है उनकी और बहुत अच्छे से वो अप्लाई होते हैं उनके ब्रश बहुत अच्छे से हैं जिससे विंग भी बहुत अच्छे से बन जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है मैंने ऑलरेडी एक और मंगवाया है तो मैं इसका भी रिव्यू जल्दी से शेयर करूँगी तो आपको इस तरीके से अपनी आइज़ पर लगा लेना है तो आई लगाने के बाद रियाइज़ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं उसके बाद मैं यूज़ करूँगी काजल तो मेरा ये फेसिस कैनाडा का काजल है ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड पिगमेंटेशन वाला काजल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको इस तरीके से अपनी आँखों पर लगा लेना है मुझे लैकमी आइकॉनिक वगैरह जो आते हैं ना वो उतने अच्छे होते नहीं हैं उतना पिगमेंटेशन का अच्छा होता नहीं है हल्का फुल्का ही सही रहता है बट अभी आपको अगर जेड ब्लैक वाला लुक चाहिए ना तो आप ये काजल लीजिए थोड़ा सा महंगा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी लंबा चलता है तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है तो उसके नेक्स्ट एरिया में आपको ब्लेंडर भी मिल जाएगा तो आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं तो आइज़ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं तो काजल और आई क्या करता है ना हमारे आइज़ को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता है मेरी आँखें वैसे छोटी हैं तो मैं अपने आइज़ को अच्छे से फिलअप करती हूँ ताकि वो अच्छी लगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगें उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका की लिपस्टिक है जिसका शेड है चाय बट ये ब्राउन कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोन है इसका और बहुत फेयर स्किन टोन वालों पे ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको इसको अच्छे से लगा लेना है इसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे से अप्लाई हो जाता है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये काफ़ी अच्छी मैट फिनिश भी देता है तो बिल्कुल भी इस लिपस्टिक को लगाने के बाद ड्राई फील नहीं होता है तो जल्दी से लिपस्टिक सूख सु, जाएगी मेरी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना फ़ाइनल लुक बट उससे पहले मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर तो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए तो जिनकी स्किन ग्लोइंग नहीं है उनको तो ही लगाना चाहिए हाइलाइटर तो आपको इस तरीके से हाइलाइटर लगाना है अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी हाथों से ही अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ उसके बाद आपको अपने आईब्रोज़ के नीचे हल्का सा लगाना है ताकि आपकी आईब्रोज़ हाईलाइट हो जाए और बहुत ज़्यादा प्यारी लगे तो अभी मेरा पूरा मेकअप डन हो गया है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ इसी तरीके से मेकअप करना है बट एट लास्ट मैं यूज़ करूँगी मस्कारा तो मस्कारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी मैं भूल गई थी बट अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो क्या होता है ना मैं हमेशा मस्कारा भूल जाती हूँ मुझे बाद में याद आता है कि अरे मैंने तो मस्कारा लगाया ही नहीं है क्योंकि मैं आई उतना यूज़ नहीं करती हूँ तो अभी मेरा पूरा मेकअप अच्छे से हो गया है आप देख सकते हैं उसके बाद मैं अपने बालों को भी खोल दूँगी तो कुछ इस तरीके से लुक आता है जो कि न्यू लुक होता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर आपकी फेयर स्किन टोन है ना तो आप ये शेड ज़रूर ट्राई करिएगा लिपस्टिक का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके बाद अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लीजिए आपके पास कोम है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ इस तरीके के लुक को पाने के लिए इस पूरे मेकअप को देखने के लिए थैंक यू सो मच तो कुछ इस तरीके से लुक आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो बिल्कुल सिंपल मेकअप ऐसा ही अच्छा लगता है बहुत तो ज़्यादा बोल्ड लुक मुझे उतना पसंद नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर